Okay, students, so yesterday we started with the mechanism of the mono substitution in benzene. मैकेनिज्म क्लियर है कि दोबारा करना बेटा? जनरल मैकेनिज्म कल करवाया था मैंने, जो बेटा करवा दो। ओके, फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देन द इलेक्ट्रो जनरेटेड। ओके, सो यहां पर क्या होता है, यहां कैन द स्पेशल रिएक्टर ब्रेक डाउन हियर, द न्यूक्लियोफाइल टेक द इलेक्ट्रॉन एंड ई पॉजिटिव एंड न्यूक्लियोफाइल विल बी जनरेटेड इन दिस प्रोसेस। In the second step, this nucleophile is going to attack this benzene ring. इस benzene के ऊपर क्या करेगा? Attack करेगा। Okay? Efficiency goes towards efficiency. तो यहाँ पर आपके पास अब देखो, इन दोनों के बीच में bond था, ये nucleophile इसके पास लग गया, यानी कि इसके ऊपर कौन सा charge आ जाएगा? Positive. Like this. Now here we will be drawing some of the resonating structure. Again, the efficiency will move towards the deficiency. Okay. यहाँ पर आ जाएगा आपके बॉन्ड, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ओके, दिस इज द सेकंड मैटर, नाउ फॉर द थर्ड। थर्ड में क्या होगा, अगेन ये बॉन्ड आपने यहाँ पर शिफ्ट करना है, ये यहाँ पर, एंड हियर द पॉजिटिव चार्ज। स्ट्रक्चर ठीक है, अब इनका हाइब्रिड कैसा बनेगा, जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? ओके, देयर फॉर हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोफाइल दे आर देयर। द थर्ड स्टेप इज द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, एच पॉजिटिव हमने क्या करना है, रिमूव करना। ओके, तो मैं कोई भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां से उठा लेती हूं, सपोज आई टेक दिस स्ट्रक्चर इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में क्या होगा? ओके, नाउ सिंस द न्यूक्लियोफाइल यहां से जो आपका हाइड्रोजन है हमने ये रिमूव करना है और यहां पर ये बॉन्ड जो है वो शिफ्ट कर देना। ओके, सो व्हाट यू विल गेट, एंड न्यूक्लियोफाइल विल गेट अटैच्ड विद द हाइड्रोजन विद द प्रोटॉन। ओके, सो दिस इज द जनरल मैकेनिज्म फॉर द मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। ठीक है, तो इन तीन वे से हमारा जो मैकेनिज्म है वो प्रोसीड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज हैलोजिनेशन, अब हम हैलोजिनेशन पे प्रोसीड करेंगे। तो सारा मैकेनिज्म हमारा सेम है, ठीक है, फिर हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो है वो चेंज करने हैं यहाँ पर। ओके, चलिए देखते हैं, सबसे पहले हैलोजिनेशन में हमारा जो कंपाउंड है, नाउ दिस विल बी द जनरल मैकेनिज्म और स्पेसिफिक मैकेनिज्म फॉर द हैलोजिनेशन। अगर बात करें हैलोजिनेशन का जो मैकेनिज्म है उसमें हमें हम क्लोरीन ऐड करते हैं, सीएल2 मॉलिक्यूल भी ऐड इन इट। नाउ दिस क्लोरीन मॉलिक्यूल इट विल बी एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ सम लुईस एसिड, कोई भी लुईस एसिड ले सकते हो। हियर आई हैव टेकन HCl, यू कैन आल्सो टेक KNCl, एल्युमिनियम क्लोराइड। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस लुईस एसिड हियर, ये लुईस एसिड क्या करता है बेटा, इट हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। आपको पता है बेंजीन रिंग जो है वो डीलोकलाइजेशन होने के कारण दैट इज हैविंग लेस स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। द बेंजीन रिंग ड्यू टू इट्स डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज मोर स्टेबल, ठीक है। अगर ज्यादा स्टेबिलिटी है तो दैट मीन्स इट इज नॉट रेडिली अवेलेबल फॉर द अटैक, ठीक है, जल्दी उसके ऊपर आप अटैक नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इनिशिएट द प्रोसेस, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन करते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन रिंग को क्या करेगा, पोलराइज करेगा। ओके, सो दिस इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज द रोल ऑफ दिस लुईस एसिड। तो हम एक कैटलिस्ट ऐड करते हैं यहाँ पर,
we will be adding some catalyst here, and that can be aluminium chloride and iron chloride. Okay, their role is to generate the electrophile that can do the polarization of the benzene. ठीक है, तो ये कैसे काम करता है? See, यहाँ पर ये क्लोरीन जो है, okay, this chlorine it is going to take its electron. आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशल नहीं है ना, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये सीएल ने जो बॉन्ड है वो ले लिया और कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका. ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हमने जनरेट कर दिया है. अब ये इलेक्ट्रोफाइल हेल्प करेगा फॉर द पोलराइजेशन ऑफ द बेंजीन. ठीक है, ये बेंजीन रिंग को पोलराइज करने में हेल्प करेगा. नाउ दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. हमारा ये फर्स्ट स्टेप हो गया जहां पर हमने इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर लिया है, जनरेट कर दिया. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप में क्या होगा बेटा? हाँ जी, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन को क्या करेगा, अटैक करेगा. ओके, नाउ दिस प्रोसेस विल बी सीओ स्टेप. तो सारे सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपने बना दिए हैं, बस जहां पर आपने ई लिखा था वहां पे क्या कर देना है, ठीक है जी. ओके, नाउ व्हाट विल बी देयर इन द लास्ट स्टेप, द थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप इज ऑल द रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन. तो हमने यहां से जो प्रोटॉन है उसको रिलीज कर देना है. एनी वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वी कैन टेक इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल. हमने AlCl4 बनाया था. AlCl4 नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल हियर. ओके, नाउ दिस स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप. तो ये हाइड्रोजन मैंने रिमूव कर देना इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन. ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा. दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड हियर. एंड व्हाट यू विल गेट हियर, द सीएल विल गेट अटैच ऑन दिस कार्बन. ओके, प्लस FeCl, सॉरी Fe नहीं है यहां पे, ठीक है. ये एक क्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन के साथ लग जाएगा. ओके, तो AlCl3 plus HCl. दिस इज द जनरल मैकेनिज्म फॉर द मोनो सब्स्टिट्यूशन. ओके, तो जब आपने हैलोजनेशन प्रोसीड करवानी है तो हमने हैलोजनेशन जो है वो इस वे से प्रोसीड करवानी है. ओके, नाउ सिमिलरली वी कैन डू द नेक्स्ट. मैंने कल आपको नाइट्रेशन करवाई थी बेटा. हाँ जी, नाइट्रेशन करवाई कल, नाइट्रेटिंग मिक्सचर NO2 आई गेस करवाई है शायद. कमिंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन, ये हैलोजिनेशन की. अब हैलोजिनेशन की बात क्या है, द नेक्स्ट इज नाइट्रेशन. द नेक्स्ट इज नाइट्रेशन रिएक्शन वेयर द बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सम नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3 एंड H+2O, दे बोथ एक्ट एज अ नाइट्रेटिंग मिक्सचर बेटा. वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करेगा. जनरल रिएक्शन फॉर्मिंग दिस. ठीक है, हम बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप लगाएंगे, NO2 ग्रुप जो है वो अटैच करेंगे. ओके,
वी विल बी अटैचिंग NO2 ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग एंड साथ में यहाँ पर वाटर जो है वो रिलीज होगा. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया तो दैट विल बी नाइट्रो बेंजीन. ओके, नाउ फॉर द मैकेनिज्म ऑफ दिस, तो इसके मैकेनिज्म के लिए देयर इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना है. सो वी विल बी यूजिंग HNO3. ऐसे लिख सकते हैं हम HNO3 को बेटा, लिख सकते हैं ना. ठीक है, Now what will happen? This hydrogen will be, ये बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है इसके साथ अट्रैक्ट होगा. ठीक है, राइट, हो गया बेटा. अब अगर ये बाहर निकल गया है तो बिल्कुल भी HSO4 यहाँ से, ठीक है ना, HSO4 क्योंकि इसने बॉन्ड शिफ्ट करवा लिया है, यू विल बी गेटिंग द नेगेटिव हियर और इसके साथ क्या होगा, यू विल बी गेटिंग अ मैग्नीशियम बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज आ गया. ओके, नाउ ऑक्सीजन इट विल ब्रेक दिस बॉन्ड विद द NO2 मॉलिक्यूल, जहां पर ये NO2 जो है बीइंग इलेक्ट्रोफाइल की तरह जो है वो बाहर निकलेगा. ओके, here it will be out as the NO2 positive ion. So again, आपके पास बचा क्या, HSO4 आया, NO2 positive आया, and this. This is known as nitronium ion. क्या कहते हैं NO2 positive को, इसको हम कहते हैं nitronium ion. तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया. सेकंड स्टेप विल बी सेम, सेकंड स्टेप सेम है, जहां जहां आपने ई लिखा है वहां वहां आपने क्या कर देना है, NO2 लगा देना है. तीन आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे एंड एट द लास्ट देयर विल बी हाइब्रिडिंग स्ट्रक्चर. ओके, हाइब्रिड स्ट्रक्चर. अब लास्ट स्टेप कितने हैं, थर्ड वन. द थर्ड स्टेप इज, क्या स्टेप है बेटा थर्ड, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन. वेरी गुड. तो आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आया होगा हाइब्रिडिंग. हाँ जी बेटा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसा कुछ आया होगा आपके पास. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल. अब आप देख सकते हो हमारा न्यूक्लियोफाइल ये है HSO4 नेगेटिव. तो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल द प्रोटॉन विल बी रिलीज एंड दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड हियर. H2SO. आपने देखा यहाँ पर H2SO4 का कितना इंपॉर्टेंट रोल है सल्फ्यूरिक एसिड का. ओके, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में हेल्प करता है एंड व्हेन द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इज देयर दैट प्रोटॉन इट आल्सो गेट्स अटैच्ड टू द सल्फ्यूरिक एसिड बॉन्ड HSO4 नेगेटिव के साथ अटैच होता है. हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा. चलिए, राइट डाउन द थर्ड वन नाउ, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन. नाउ मैकेनिज्म फॉर सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, मैकेनिज्म फॉर सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन. सो आफ्टर नाइट्रेशन वी विल बी डूइंग द मैकेनिज्म So what is the end of the sulfonation again the benzene ring plus H2SO4 in the presence of again SO3.
ठीक है. तो अगेन SO3 इट इज इट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल. सो व्हाट वी विल बी गेटिंग, वी विल बी गेटिंग SO3H हियर प्लस H2. ठीक है जी. ओके, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा. अगर आप इसको तोड़ के लिखो तो यू विल बी गेटिंग SO3. एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो दैट विल बी H2. एक वो बचा है. ठीक है, यहां से एक प्रोटॉन जो निकला है यहां पर मैंने अटैच कर दिया. दिस ऑक्सीजन देखो सही है ना, एक सल्फर है, चार ऑक्सीजन है और ये दो हाइड्रोजन, ये कौन सा है, प्रोटॉन वाला निकल गया. ठीक है, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मैकेनिज्म. में सारे मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, दे ओनली डिफर इन द फर्स्ट स्टेप जहां पर आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाया है एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है जी, चलिए we will be using two molecules of H2SO4 here. ठीक है, we will be using two molecules of H2SO4. दो मॉलिक्यूल्स करके देंगे. So this molecule it will split into hydronium ion, HSO4 negative ion and SO3 negative ion, SO3 ion. Okay, now here this SO3 the structure of SO3 can be visualized like this. Okay, the SO3 ka structure hai, it can be visualized like this, right? So benzene ring in the presence of SO3 and H2SO4, that will be a slow step. ठीक है, benzene ring के ऊपर इस SO3 ने क्या करना है, attack करना है in the presence of H2SO4, right? अब देखो मैं आपको बताने लगी हूँ यहाँ पर इसका structure ऐसा है. When pH positive ion is sulfuric acid में से जब H पॉजिटिव आयन जो है तो बाहर आएगा. देखो H2SO4 स्प्लिट किया ना, ठीक है, इसने एक हाइड्रोजन दिया तो इट विल फॉर्म HSO4 नेगेटिव. ऐसे स्प्लिट करेगा ना H2SO4 मॉलिक्यूल. ओके, दिस प्रोटॉन इट गेट्स अटैच्ड टू वन ऑफ ऑक्सीजन आयन, सो द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस हियर. ऑक्सीजन इज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं लिखूंगी तो मेरा ये इलेक्ट्रोफाइल है. ओके, दैट इज SO3H. दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल हियर. क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो मैंने जब यहाँ पर SO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 डाला तो आप लिख सकते हो साइड पे हियर द इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल दैट इज रिलेटेड इज SO3H मॉलिक्यूल. ओके, तो हियर वी विल बी शोइंग द attack now. Okay, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो या directly लिख लो SO3H के ऊपर positive. Okay, या वैसा structure. Okay, again next steps सारे same हो जाएंगे आपके. The three resonating structures will be there and then you will be getting the hybrid. Last step is the removal of proton. ठीक है, तो लास्ट स्टेप में अपने प्रोटॉन जो है वो रिमूव कर देना. अगर मैं इसी स्टेप में करके इसका प्रोटॉन गया यहां पर तो ये भी कट का बॉन्ड है एंड एट द लास्ट SO3H इज अटैच्ड. ठीक है, तो सब में सेम मैकेनिज्म है, सिर्फ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज डिफरेंट. रेस्ट मैकेनिज्म इज सेम इन ऑल द केसेस एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. नेक्स्ट टू नेमिंग रिएक्शंस है, they are very, very important. Next is two naming reactions. Okay, so write down
लीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन और ऐसे ही हमने एक करती है लीडर क्राफ्ट एसाइलेशन, लीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड द सेकंड वन इज लीडर क्राफ्ट एसाइलेशन। ओके पहले रिएक्शन देख लेते हैं। Here I'll be using some alkyl halide. Again, we will be doing the reaction in the presence of some Lewis acid. ठीक है? तो आप कोई भी Lewis acid जो है वो यहाँ पर use कर सकते हैं। Either you can use aluminium chloride or iron chloride. ठीक है बेटा? तो ये मैं अपनी reaction बता रही हूँ आपको, इनमें चाहिए क्या? We will be getting CH3 group here. यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा plus H. So this is the Friedel graph alkylation reaction. Okay? ठीक है जी? यानी कि यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा बेटा? यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा ना? बेंजीन रिंग, देखो बेंजीन रिंग को आप विजुलाइज कर सकते हो ऐसे। जब यहाँ पर मैंने कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना है तो मुझे ये हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा ना, तभी उसकी जगह वो ग्रुप लगेगा। ठीक है, कार्बन की टेट्रावेलेंसी हमें करनी पड़ेगी, पूरी बांड टेंशन हो तो ये हाइड्रोजन निकाला, उसकी जगह हमने वो ग्रुप अटैच कर। चलिए राइट डाउन द मैकेनिज्म नाउ। The first one is the same step, generation of electrophile. ठीक है? So you can clearly see हमारा electrophile कौन सा है बेटा यहाँ पर? Benzene ring के ऊपर कौन सा लगा हुआ है? CH3. Okay? So electrophile will be CH3. Again, if the reaction is proceed in the presence of iron fluoride, ठीक है, अगेन सेकंड स्टेप सेम होगा। थर्ड स्टेप में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, यू विल बी गेटिंग अ स्ट्रक्चर लाइक दिस वेयर दिस प्रोटॉन विल बी रिमूव्ड एंड अगेन द बॉन्ड्स ऑफ द बेंजीन विल बी हियर दिस टू। सो दिस इज द थर्ड स्टेप। ठीक है, एंड द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl4-. और साथ में ये हाइड्रोजन और एक HCl बना। ओके चलिए राइट डाउन द लास्ट रिएक्शन Friedel graph. नेक्स्ट राइट डाउन Friedel graph acylation. तो ये हमने यहाँ पर क्या बनाया है? हाँ जी बेटो, ये मैंने यहाँ पर क्या बनाया है? बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप, क्या कहते हैं इसको? इसको टॉल्यूइन कहते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है दैट हाउ यू विल डू दैट टॉल्यूइन फ्रॉम द बेंजीन, तो यू विल बी फॉर्मिंग Friedel graph alkylation. क्या toluene? बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप, इट इज टॉल्यूइन। ओके, द सेम रिएक्शन नेक्स्ट इज द Friedel graph acylation. पहले आपने एल्काइलेशन की, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज एसाइलेशन। ठीक है, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर हम CO ग्रुप अटैच करते हैं। ओके, एक हमने CO ग्रुप अटैच कर दिया है, अगेन द रिएक्शन इज प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3. ठीक है, the Lewis acid will be same. अब यहाँ पर जो आपका ग्रुप अटैच होगा, ठीक है,
ये सारा राइट। तो जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, सेम सेम हो जाएगा सारा, ठीक है। बस यहाँ पर आपके पास अब सीओ ठीक है, सी एच थ्री के ऊपर पॉजिटिव नहीं लगाना है, हमें सीओ के ऊपर लगाना है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर इस कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड अटैच है सीओ, तो सीओ जो है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पर काम करेगा। अगेन हियर सीओ विल बी डायरेक्टली अटैच टू एनजी पे, ठीक है। तो लास्ट में भी सीओ सीएच, ठीक है जी। सो दीज आर द reactions and the general mechanism of all these reactions, again very very important, okay।